ये है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यू यू ललित, और इनके साथ है चार सीनियर सुप्रीम कोर्ट जजेस जो फॉर्म करते हैं कोलिजियम। वेट वेट वेट, ये कोलिजियम वैसे है क्या? ये है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस का एक ग्रुप जो डिसाइड करता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट से लेकर उनकी ट्रांसफर तक। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग तो जजेस की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, दैट टू इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर है हाँ, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, दैट टू इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में लेट 1980s और 90s में ऐड किए गए तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स वी आर थ्री जजमेंट्स जो है फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस और थर्ड जजेस केस। तो आइए बात करते हैं फर्स्ट जजेस केस के बारे में। 1982 में फर्स्ट जजेस केस के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, प्रेसिडेंट कंसल्ट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंटमेंट्स के टाइम पर, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन का कंसल्टेशन होना चाहिए फुल और इफेक्टिव। वाइल सेकेंड सुप्रीम कोर्ट केस में 1993 जजमेंट से कोर्ट ने यह कहा कि प्रेसिडेंट कंसल्ट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपसे कंसल्ट करेंगे दो सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस को जिन्हें कहा जाएगा कोलिजियम। और फाइनली थर्ड जजेस केस 1998 में कोर्ट ने इस दो जजेस के कोलिजियम में ऐड किए दो और जजेस और इसे बना दिया एक फोर मेंबर्ड कोलिजियम। लेकिन हम कोलिजियम के बारे में डिस्कस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपनी ओपेक फंक्शनिंग की वजह से इस सिस्टम को किया जा रहा है क्रिटिसाइज, वो भी पिछले 10 सालों से, क्योंकि ना तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही नॉन जजेस की यहाँ पर कोई मेंबरशिप है, और नेपोटिज्म के एक्यूजेशन में ये बॉलीवुड से भी बहुत आगे है। और इन सबका रिफ्लेक्शन है ये रिसेंट इंस्टेंस जहां चीफ जस्टिस सर्कुलेट करना चाहते थे फाइल्स रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटमेंट्स, लेकिन कोलिजियम में बैठे दो जजेस जस्टिस चंद्रचूड और नजीर करना चाहते थे डेलिबरेशन ओनली इन पर्सन। हेंस इंडिया के इस थर्ड पिलर यानी कि हमारी जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी और लेजिटिमेसी को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट को जजेस अपॉइंटमेंट की प्रोसेस को बनाना चाहिए ट्रांसपेरेंट।